हाय गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग वापस आ गए हैं फ्री फायर के दुनिया में। और ये देखिए, ये अजीब से बाल ये रैम्पेज में आया है, जो कि हम लोग उसमें रैम्पेज के जो चीज़ है वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको बता दूँ अगर आपको नहीं पता है। तो गाइस, मैंने आज एक यूट्यूबर का वीडियो देखा, उसमें वो बस एक नई गाना, ये उजी, आपको दिखाता हूँ अभी। मिनी उजी उसका नाम है। यस, ये मिनी उजी है। इस गन का सब लोग ट्यूटोरियल दे रहे हैं, सब लोग इसको समझा रहे हैं कैसी गन है, तो टेस्ट कर रहे हैं वो ट्रेनिंग ग्रुप में, और उनको मिलियंस में व्यूज़ मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा, ओ माय गॉड, वाओ, एटलीस्ट मुझे 20 व्यूज तो मिल जाएंगे। तो इसलिए मैं अभी आ गए वीडियो बनाने उजी का। सो आई एम बैक। तो उजी ले लेते, ये लेते, और क्या लेना चाहिए। और यस, ये न्यू स्किन ना, ये उजी की मैगजीन की, और ऑफकोर्स मैगजीन का ही आना चाहिए था इसको। ये ऑफकोर्स इतना इस गन में बस यही प्रॉब्लम है, इसमें मैगजीन बहुत कम है। हाँ ओके, तो हम लोग बैकपैक लेने की ज़रूरत, ये मशरूम ले लेते हैं और थोड़ा सा रिपेयर किट। नाइस, ओके, तो हम लोग हो गए हैं, हम लोग बस उजी से लड़ेंगे। ये जो पैन है ये बस सेफ्टी के लिए, जिससे कि जब कोई पीछे से मारे तो पैन पे लग जाए। ये थोड़ा बिग ब्रेन वाला दिमाग है। ओके, तो अभी करते हैं तोड़न जो भी कहते हैं वो। अरे बाप रे, इतना अच्छा हेडशॉट। ओ भाई, ओके, वो तो पहले से डैमेज था। नाइस, अरे बस दो गोली शॉट गन थी लेकिन फिर भी नहीं मार पाए। इसमें मुझे ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि ये इसमें इसका, ओ माय गॉड, ओके ठीक है। मैं, अरे यार, मान से मैंने गन पकड़ा होगा। ओके हाँ, तो इस गन में ना रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा अच्छा है। ओ माय गॉड, सो पी, लेकिन इसमें मैगजीन बहुत ज़्यादा कम है एक्चुअली। मर जा भाई, इंटरनेट गया क्या? नहीं, इंटरनेट नहीं गया था, मेरा ही गोली उस पर चिपक नहीं रहा था। हेलो मैडम जी, कैसी हैं आप? वो भा, ओके, वुकोंग इज़ बेटर देन क्रोनो, ये है वुकोंग की स्पेशलिटी। इसलिए वुकोंग को कभी समझ कम मत समझिए। और अगर आप आलोक चाहते हैं तो, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं चल रहा, लेकिन कभी वुकोंग को कम मत समझिएगा, बहुत ज़्यादा ओपी कैरेक्टर है वुकोंग। एक्चुअली ये जो हमें मिला था 16 डेज के लिए कैरेक्टर्स, तो उसमें से आलोक भी मिला था, लेकिन मैंने सोचा नहीं भाई, आलोक वुकोंग सबसे बेटर है। मैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन सब में वो मैक्स लेवल के नहीं थे, और मेरा वुकोंग मैक्स लेवल का है। प्लस इसमें तीन एबिलिटीज़ है, एक जैसे किल करता है वैसे मेरा एचपी बहुत ज़्यादा बढ़, मतलब हाँ देखिए ये है, दिस इज़ द थिंग व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। अरे मार दे भाई, MP40 वाला है, मुझे ही मार देगा। मर, अरे इसने इसको डैमेज तो दिया होगा ना, तो ये अभी तक मर, ओके किल चुरा लिया। एक्चुअली मैं उसको, अरे भाई अभी मेरा कुछ नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, पहले तो आराम से कर पा रहा था मैं अभी। अरे यार, इतना XP कलेक्ट किया था और सारा चला गया। लेकिन गाइस, इस गन का रेट ऑफ फायर आई लव इट, लेकिन एक्यूरेसी, ये बुलेट उस पर चिपक क्यों नहीं रही है भाई? बुलेट चिपको। ओ माय गॉड, ओ भाई, व्हाट इज दिस, व्हाट वाज दैट, फुल रेड नंबर्स। अरे यार, उसके सामने क्यों आ गया हेड? ओके, इसने ये सो बंदे नहीं दिया था, नहीं इसको पीछे रखते हैं, पीछे से कोई मारेगा तो खटिया खड़ी हो जाएगी। मेरे पास एक आइडिया है, तू बस रुक, मैं आता हूँ। ओके गाइस,
10 करोड़ साल बाद मैं वापस आ चुका हूँ उस लड़की को मारने, जो कि शायद उधर है ही नहीं। प्लीज़ ऐसा मत कहना, बहुत दूर से ग्रेनेड लेकर आए हो। नहीं अबे साले, ओ शिट, मार दिया रे। तो लड़की ने क्रोनो की एबिलिटी लगाई है, पमोला लेकर क्रोनो, ओ माय गॉड। ओ शिट, मार दिया। क्या करते हैं दो लोग जब रहते हैं तो मैं उतने प्रो प्लेयर नहीं हूँ फ्री फायर में, इसलिए ये सब चलता है, लेकिन मेरे लिए हेडशॉट मारना बहुत बड़ी बात होती है। इस गन में रेट ऑफ फायर एकदम अच्छा, आई लव दिस गन, इसका रेट ऑफ फायर बहुत ज़्यादा अच्छा है। नीचे बैठेगा तो यही होगा, सीधे पट पट हेडशॉट। ये एक ट्रिक है, नाइस ट्रिक ना। ओके तो गाइस, इस गन का मतलब ये जो गन जो है ये गए, खत्म नहीं। ओके तो मरने के साथ साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता मतलब और वीडियो बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया है और आपने पहले ही देख लिया, इस गन का रेट ऑफ फायर इज मोर देन ओपी। इतना अच्छा रेट ऑफ फायर आज तक नहीं देखा। ओके तो यस, चलते हैं हम लोग, बाय बाय।